हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हो आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट, उसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर, मेरी प्रोफाइल में आके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे लेसन्स इजी टू अंडरस्टैंड वे में मिलते रहें। और मैं डिटेल एनालिसिस अनअकैडमी पे भी कर रही हूँ और मैंने डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने वहाँ पर अनअकैडमी पे करवा दिए हैं। प्लीज़ आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा। इस कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे एज़ पर माई यूट्यूब लर्नर्स, उन्होंने मेरे को कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सो ये क्वेश्चन था रीजनिंग में, एक अल्फाबेटिकल और ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर सीरीज। सो ये जो नंबर सीरीज वाला है, दो लर्नर्स हैं मेरे, मतलब अलग अलग लर्नर्स हैं। कोई मुझे ये आंसर दे रहा है और कोई ये क्वेश्चन बता रहा है। कहीं कोई यहाँ पे 90 लिख रहा है, कोई 40 लिख रहा है। तो एक बार जिनका हो चुका है वो बता देना 90 था कि 40 था, उस हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। अब दो दो आंसर दे रहे हो मुझे, तो मतलब दो दो क्वेश्चन दे रहे हो तो ऑफकोर्स। अब एक था इफ़ डाइव देन, ये कैसे होगा? अगर इफ़ डाई ऐसा है IMYG देन टेक कैसा होगा? तो इसको आप चेक कर लोगे अल्फ़ाबेट सीरीज ABCD बनाकर ना, फिर गैप देख देख कर चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडर विच मेंबरशिप कमेटी UGC वॉज अपॉइंटेड, UGC किस में अपॉइंट हुई थी? और ऑफकोर्स ये किसकी में, ये सही किया है इन्होंने, राधा कृष्णन की कमेटी में हुई थी। ठीक है, सी अगर ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है तो कमीशन राधा कृष्णन की कमेटी में हुई थी, और अगर ये लिखा होगा कमेटी तो वो सर्जेंट रिपोर्ट में हुई थी। ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, कमेटी लिखा था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी तो सर्जेंट, लेकिन अभी वाली जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी जो है वो राधा कृष्णन वाली थी। देन जो DI था और RC थे ये दोनों इजी थे। ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कोई, और ड्रॉट किस स्टेट को सेंट्रलाइज किया हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन था। मैं एक्चुअली लर्नर्स को क्वेश्चन इतना याद है तो मैं अपनी तरफ से आंसर बता देती हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसको असेस किया कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, सीनियर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने डिस्कस किया कि यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये ड्रॉट वगैरह मेनली आता है, और इनमें से जो कर्नाटक गवर्नमेंट है इन्होंने ड्रॉट को डिक्लेयर कर दिया कि खरीफ समर सीजन का 2018 सेशन में। ठीक है, तो एज़ पर यू अब आप देख लो आपका क्या क्या ऑप्शंस थे वहाँ पर। एक्चुअली मुझे आप लोगों ने ऑप्शन नहीं बताए हैं, सो अपनी तरफ से जितना मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने जनरल अवेयरनेस आपको दे दी है। देन एक वेन डायग्राम बना के दिया था उन्होंने, उसमें से पूछा वर्ल्ड, इंडिया, दिल्ली, ऐसे करके कौन सा वाला रिलेटेड है, ऐसा ही था। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज ईजी थी, ठीक है, हो गई होगी सॉल्व ईजिली। पैडागोजी क्या होती है? पैडागोजी चाइल्ड को सिखाने की टेक्निक होती है ना, टीचिंग की। फिर एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था, ईजी। टॉपोलॉजी पे कोई क्वेश्चन था, सोलर कितनी होगी ये बताया था, तो आपको मैंने रिसोर्सेज में बताया हुआ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर कितनी होगी, वो वाली जनरल अवेयरनेस भी आ गई, देख लो। ठीक है, सो ओके, सो मैंने ये बताई थी लास्ट थोड़े दिन पहले, एग्जाम से थोड़े दिन पहले लाइव आकर बताई थी मैंने, टारगेट्स जो बताए थे रिन्यूएबल एनर्जी के। सो कुछ लर्नर्स के रिव्यू, नवदीप मैम थैंक यू। ओके, पेपर वन इनका सबका अच्छा गया है, मुझे यही देखने को मिला, पेपर वन अच्छा था, DI के क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा था तो। लेकिन इनका पेपर टू HRM लेबर वेलफेयर था, वो थोड़ा सा टफ लगा इनको। ओके, बाकी आप अपने बताना पेपर टू कैसा लगा। मैनेजमेंट का भी था, मुझे मैनेजमेंट के स्टूडेंट से भी पूछना है ऑफ कोर्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मेरा 2019 के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है वो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और 20 फुल लेंथ क्विज कोर्स भी आया हुआ है। इनकी फीस अब आज इंक्रीज़ हो चुकी है, मैंने कहा था सीधा 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई, मतलब मैंने वो कहा था फर्स्ट 24 आवर्स इसकी फ़ीस सबसे कम होती है, अब ये 6100 का हो गया और इसमें भी 500 बढ़ गए हैं शायद, अभी ये वाला 41 का ही हुआ सिर्फ। ठीक है, 20 क्विज कोर्स, यू कैन ज्वाइन anyone। सो सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बिलीव करके एक्ट करो अब अच्छे से जितना हो सकता है, और अचीव कर पाओगे। अब तो रिवीजन मोड पे होंगे सब, तो जितना आता है बस उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, नव क्लासेस को देखते रहिए, यहाँ से फेसबुक पेज पे लाइक कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे लाइक ज़रूर कीजिएगा पेज को। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।